तुम्हारा कौन सा डेली ब्लॉग है आज? शायद 6। हाँ 6 हो सकता है। तुमको ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग नंबर याद नहीं है? क्योंकि गाइस मम्मी मेरी वीडियोस देखते हैं और मैं नंबर बस डालती जाता हूँ, मेरे को याद तो रहता नहीं है। तो अभी तो मैं और मम्मी नाश्ता करने वाले हैं, तो मम्मी आप नाश्ते में क्या खा रहे हो? मैं दिखाती हूँ क्या खा रही हूँ, वेट एंड वॉच। क्या खा रही नाश्ते में? तो फिर देखते हैं मम्मी आज नाश्ते में क्या खा रही है। वैसे मैं तो पराठे खा रहा हूँ और मम्मी देखते क्या खा रही है। हे गाइस, तो फिर अब मेरी मम्मी नाश्ते में क्या खा रही है, मम्मी दिखाओ। तो मम्मी खा रही है नाश्ते में उपमा और मैं खा रहा हूँ पराठा और अचार। ये मिक्स्ड वाला अचार है जो मेरे को बहुत पसंद है। मम्मी को उपमा पसंद ही नहीं है। मुझे उपमा पसंद है बट इसको उपमा पसंद नहीं है, खाता ही नहीं बिल्कुल। पराठा अचार खा लेगा फिर उपमा नहीं खाएगा। मैं नहीं खाऊंगा। बहुत पसंद है। हाँ पोहे बहुत पसंद है और उसके साथ जलेबी मिल जाए तो और अच्छा। तो अब हम लोग नाश्ता करते हैं और फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। ये मम्मी सुबह काम किए जा रही है और पता नहीं मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। क्यों गुस्से में है मम्मी बताओ तो? गुस्से में इसलिए है कि तुमने चुपके से कुछ बदमाशी की है और बदमाशी ये है कि तुमने मेरे को आके क्या पूछा, क्लास ले रही थी तो मैं, तुमने बोला मेरे को कि मैं चादर ही तो बदल ली। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि चादर बदलना है, मतलब खराब हो गई है इसलिए चादर बदलना है, धोने डालना है करके। और मैं आके क्या देख रही हूँ कि आपने गद्दी पे चादर पे चाय गिरा के रखी है। हाँ तो और इसे चादर बदलना है बोल रहे हो? अरे तो उसके साथ बिस्तर पे तो चाय पीऊंगा। बिस्तर में चाय पीने की जगह है, वहाँ टेबल चेयर नहीं है, उसमें चाय पियोगे नहीं आप? अरे यहाँ पे बिस्तर में गिरा के रखी है पूरी चाय, नई गद्दी खराब की है, बीर बनवाई है नई गद्दी। अरे तो बिस्तर पे तो चाय पिए ना, तो सुबह उठते साथ यार नींद आती रहती ना, तो बिस्तर पे ही चाय पी ली मैंने। कुछ भी बात नहीं है, फालतू की बात नहीं करो, चादर नहीं नहीं पूरी गद्दी खराब कर दी। अच्छा ठीक है, वैसे आपको पता कैसे चला? वहाँ तुमने पोछा रखा था ना? हाँ पोछा था वहाँ, पता चल गया हमको कि वहाँ पोछा रखा हुआ है। क्या वहाँ पे चिपचिपा सा था? हाँ यार, तो पता नहीं चलेगा चाय गिरी, पानी नहीं गिरा है, चाय गिरी है। अच्छा तो मम्मी को पता चल गया गाइस, मैंने बहुत सफाई से छुपाया था पर मम्मी को फिर भी पता चल गया। यार अब मैं डांट खा के बाहर आ चुका हूँ और जो आज जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, धूप निकली नहीं है, एकदम ठंडक वाला मस्त वाला मौसम बना है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं घूमने चले जाओ, तो ऐसा लगता है जैसे आज का मौसम में घूमने चले जाएँ कहीं। और अभी मेरे को अपने दादाजी के पास जाना है, थोड़े मेरे को अपने कंप्यूटर सुधारने हैं क्योंकि मैंने और पापा जी ने वो थोड़े कंप्यूटर्स को खोल के थोड़ा मिक्स एंड मैच करके दो नए कंप्यूटर्स बना दिए थे, तो अब उन सीपीयूस को हमें सुधारने जाना है। तो यार अब मेरे को जाना पड़ेगा सीपीयूस को सुधारने क्योंकि बाकी जो सामान है वो पूरा फैला पड़ा है। तो मैं जाता हूँ नीचे और दादाजी की मदद करता हूँ। नीचे दादाजी से पूछने गया था कि क्या वो कंप्यूटर और सीपीयू वाला काम करने के, तो उन्होंने कहा है अभी नहीं बाद में क्योंकि वो थक गए हैं, तो अब पता नहीं वो काम कब होगा। तो अभी तो मैं और मेरी मम्मी ने मोबाइल बहुत सर्च किया है कि मम्मी के लिए नया वाला कोई अच्छा सा फ़ोन, तो अभी तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। और मम्मी चली गई नहाने, मेरा नहाना हो गया और मैंने देख देख के बहुत सारे फ़ोन देखे हैं। तो अभी कुछ रेडमी नोट 10 जैसे ही हम लोग सोच रहे हैं ले लें वही वाला, तो अब देखते हैं हम लोग कौन सा फ़ोन लेते हैं। नया फ़ोन लेंगे तो आपको तो ज़रूर बताएंगे ना, क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो अब हम लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद मैं अपना वही वाला प्रोजेक्ट वाला काम करूँगा और मम्मी खाना खा के सो जाएगी। तो अब मैं आपसे सीधा शाम को मिलता हूँ क्योंकि शाम को मेरे को जाना है साइकिल चलाने, और साइकिल चलाने जाऊँगा तो यार मम्मी थोड़ा सा ब्लॉग करवा देगी मेरा, तो चलिए देखते हैं। यार अब शाम हो चुकी है और मैं प्रोजेक्ट वाला काम कर करके थक गया हूँ। अब मैं सीधा कल ही करूँगा वो प्रोजेक्ट वाला काम क्योंकि यार मैं थक गया हूँ यार, बहुत देर से वही किए जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मम्मी पापा दोनों ऐसे घूम रहे थे और अब शायद अंदर चले गए हैं दोनों। तो यार मैं इतने दिनों से बता रहा हूँ आपको, प्रोजेक्ट का काम कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बना रहा हूँ, पर यार अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है कि वो प्रोजेक्ट है क्या। तो वो प्रोजेक्ट है ये बोगी, आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रेन है ये मतलब एक बोगी है, मतलब एक कोच, ओनली वन कोच। बोगी तो उसे कहते हैं जिसके नीचे माउंट होंगे और फिर ट्रेन व्हील्स के साथ चलने लगेगी।
ये जो स्केल की ट्रेन है, और ये देखिए छोटे 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 मैंने व्हील्स बनाए हैं ताकि ट्रेन मस्त से मक्खन मार के चले। और अब गाइज आज के ब्लॉग में आगे दिखाने लायक कुछ नहीं है, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरे वाला ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, और बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।